इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 12 रीड करेंगे जिसका नाम है द यूनिवर्स। द यूनिवर्स मतलब क्या होता है? हमारा ब्रह्मांड जो होता है उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। तो अब इस लेसन में हम अपने सोलार सिस्टम के बारे में, मतलब सौरमंडल जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स, मून, सन के बारे में पढ़ेंगे और वो क्यों, किन नामों से, किस कुछ कुछ नामों से जाने जाते हैं, क्यों इन नामों से जाने जाते हैं, हम वो रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लिखा हुआ है द सन, द मून, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का क्या मतलब होता है? देखिए, हेवनली बॉडीज इसलिए बोला जाता है उनको, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है, और ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्काई में, मतलब आसमान में या स्वर्ग में रहते हैं। ठीक है, इसलिए इन सबको हेवनली बॉडीज कहा जाता है। ऑल ऑफ देम आर राउंड इन शेप, ये सभी गोल आकार के हैं। अब देखेंगे हम सोलार सिस्टम पढ़ेंगे, ये देखिए पिक्चर दिख रही है सोलार सिस्टम में, मतलब ये सब ग्रह हैं अपने, इनके नेम्स दिए गए हैं आपको, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सारे जो हैं ये प्लैनेट्स हैं। और ये देखिए ये सन है ये, और इन सब सन के आसपास ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, द सन एंड द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग इट इट फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ये जो सन के आसपास जो चक्कर लगाते हैं इनको बोलते, ये पूरे जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोलार सिस्टम। सोलार का मतलब होता है सन, ठीक है, और इसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलार सिस्टम में। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सन, सन से जो सबसे पास से होते हैं दूरी से, उनसे इनका ऑर्डर जमा हुआ है। और ये जो सारे प्लैनेट्स होते हैं ये सन के आसपास घूमते हैं और इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ठीक है, ये जो अर्थ है ये भी एक प्लैनेट है, जहां पर हम, जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं उसका नाम क्या है, अर्थ। ठीक है, ये भी एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल, एक बॉल जैसे होती है वैसे ही अर्थ का शेप होता है, राउंड होती है, वो गोल होती है। ठीक है, सेलर्स हैव आल्सो रीच बैक टू देयर पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग आफ्टर सेलिंग राउंड द अर्थ। पिक्चर्स ऑफ अर्थ टेकन बाय सैटेलाइट्स एंड फ्रॉम द मून आल्सो शो द अर्थ इज शेप्ड लाइक अ बॉल। देखिए, सैटेलाइट से जो पिक्चर्स लेते हैं हम अर्थ की, उसमें जो अर्थ है वो राउंड शेप की दिखाई देती है, और मून से भी जो अर्थ है राउंड शेप की दिखाई देती है, मून से भी उसकी कुछ पिक्चर्स ली गई हैं। उसके बाद देखेंगे हम मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, द मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड, इज नोन एज रिवॉल्यूशन। जो सन के आसपास जो चक्कर लगाए जाते हैं प्लैनेट्स के द्वारा, वो कहलाता है रिवॉल्यूशन। और द अर्थ ऑल्सो स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, दैट इज इट्स इट मूव्स अराउंड इट्स सेंटर पॉइंट। और ये देखिए, जो कुछ कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अपनी ही जगह पर घूमते हैं, अपनी जगह पर खड़े होकर और घूमते रहते हैं और आसपास चक्कर भी लगाते हैं। तो जो अपनी जगह पर सेंटर पॉइंट पर खड़े होकर घूमते हैं उसको बोलते हैं रोटेशन। ओके, सम ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑन अर्थ लाइक विंड, वेदर चेंजेस, डे एंड नाइट, आप सभी जानते हैं कि अर्थ पे, पृथ्वी पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, ये जो क्लाइमेट का जो चेंज होता है हमारे अर्थ पे, या मौसम चेंज होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से। जो अर्थ घूमती है उस वजह से उनका रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टॉपिक है अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट का मतलब क्या है, अर्थ एक अद्भुत प्लैनेट है, इसका मतलब क्या है, क्यों है अर्थ एक यूनिक प्लैनेट। देखिए, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर बहुत सी चीजें, मतलब लाइफ पॉसिबल है, अपन बोल सकते हैं कि इस पे लाइफ पॉसिबल है। लाइफ अगर पॉसिबल है तो वहां पर सब कुछ होता है, मतलब एयर, वाटर, सनलाइट, बर्ड्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, सारी चीजें हमारी अर्थ पर अवेलेबल हैं। ओके,
इसलिए इसको बोला जाता है द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट। उसके बाद देखेंगे हम द सन। द सन जो है वो एक आग का गोला है, बहुत बड़ा एक आग का गोला है, और ये एक स्टार है जो बहुत ही ज्यादा गर्म है, और ये दूसरे स्टार से बहुत ज्यादा पास में है। इनफैक्ट इट इज द स्टार दैट इज क्लोजेस्ट टू अस, और यही एक स्टार है, ये एक तारा है जो हम सबसे बहुत ज्यादा क्लोज है, इसलिए ये हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, ये हमको हीट एंड लाइट देता है। बहुत सारे प्लैनेट्स इसके आजू बाजू घूमते रहते हैं। उसके बाद देखिए द मून। मून को तो सभी आप जानते हैं, चांद, चांद को आपने देखा होगा। तो ये भी जो ये मून जो है ये बहुत छोटा दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारी अर्थ से, जहां हम रह रहे हैं जिस प्लैनेट से, उस प्लैनेट से बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत दूर है हमसे। ठीक है, ये इट सिंपली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन विच मेक्स अस शाइन। इसकी कोई भी लाइट नहीं है, अपनी कोई लाइट नहीं है, ये सन की वजह से ही लाइट दे पाता है। ओके, फेजेस ऑफ द मून। अब देखिए फेजेस ऑफ द मून, ये देखिए पिक्चर आपको दिख रही होगी, और आपको आंसर नंबर सिक्स में, क्वेश्चन नंबर सिक्स के आंसर में भी आपको यही पिक्चर बनानी है, यही पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखिए द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट, हर रात को मून अपना आकार बदलता है। ये इसलिए क्योंकि ये जो मून है ये हमारी अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व करता है। ठीक है, द फ्रॉम अर्थ वी कैन सी दैट द पार्ट ऑफ मून विच इज लाइटेड बाय द सन, और हम अर्थ से तब वही पार्ट देख पाते हैं जो मून से लाइटेड, सन से लाइटेड होता है, मतलब जब सन का उस पर प्रकाश पड़ता है, जब वो लाइट होता है, जब हमको उतना ही पार्ट सन का, मून का दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो डिफरेंट शेप्स कहलाते हैं, ये जो डिफरेंट शेप्स होते हैं, ये कहलाते हैं फेज ऑफ द मून। जब पूरा न्यू मून होता है तब हम उसको देख नहीं सकते हैं। न्यू मून इज व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, सन और अर्थ के बीच में जब मून होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यू मून। ओके, न्यू मून के बाद हम क्रीसेंट मून देखते हैं। ओके, उसके बाद द लाइट फेसेस गोज ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे, और फिर उसके बाद सबसे छोटा दिखाई देता है वो कम लाइट में, फिर वो एक हर दिन वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, और 14th डे पर न्यू मून हमको 14th डे न्यू मून के बाद वी कैन सी द होल ऑफ इट्स लाइटेड फेसेस, और हम उसको पूरा फिर 14 दिन के बाद हम उसको पूरा देख सकते हैं, वो कहलाता है फुल मून। ओके, और जो न्यू मून की रात होती है, देखिए आपने अमावस्या सुना होगा, अमावस्या में बिल्कुल भी चांद दिखाई नहीं देता है, ठीक है, अंधेरी रहती है, तो उसको बोलते हैं अमावस्या, क्योंकि वो न्यू मून कहलाता है। ठीक है, और पूर्णिमा किसको बोलते हैं, जिसमें फुल मून हो जाता है, जिसमें पूरी लाइट दिखाई देती है। ओके, अब देखेंगे द स्टार्स। वी कैन सी काउंटलेस स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई स्पेशली एट नाइट, द स्टार्स आर प्रेजेंट इवन इन द डे टाइम बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस लाइट ऑफ द सन दे आर नॉट विजिबल। देखिए जो स्टार्स हैं वो हमारे आसपास, हमारे पास में, अर्थ के पास में, इसलिए हमको दिखाई देते हैं। इनकी जो लाइट होती है ये भी हमको रात में दिखाई देती है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ये भी सन की लाइट से ही दिखाई देते हैं हमको। और देखिए स्टार्स, कुछ स्टार्स की लाइट जो होती है वो खुद की होती है। ठीक है, ऑल द स्टार्स आर नॉट अलाइक, सब स्टार्स एक से नहीं होते, कुछ स्टार्स बड़े होते हैं, कुछ स्टार्स छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन ये देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ऐसा आकार बन जाता है स्टार्स का, इनको कुछ कुछ बोलते हैं अपने अपने हिंदी में, इनको कुछ बोला जाता है, ये इंग्लिश में इसको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। A group of stars that appear to form a pattern in the sky is called constellation. एक आकार जो बन जाता है sky में तारों को मिलाकर वो होता है constellation. Leo, Orion, Great Bear, Scorpion, Plough, Gemini, Cancer, ये सारे जो pictures होते हैं ये सारे इनसे बनते हैं। Okay? उसके बाद satellites. Satellites क्या होता है, ये heavenly bodies that go around the planets are called satellites.
सैटेलाइट जो होते हैं वो प्लैनेट्स के आजू बाजू उनका हाल जानने के लिए होते हैं, वो सैटेलाइट कहलाते हैं। दे डू नॉट हैव देयर लाइट ऑफ देयर ओन, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, ये भी सन की लाइट से ही दिखाई देते हैं, इनके पास भी अपनी एक कोई लाइट नहीं होती है। द सैटेलाइट में भी नेचुरल और मैन मेड, ये नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। द मून इज नेचुरल सैटेलाइट, और मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। ओके, तो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, आप रीड करेंगे इसको, और रीड करने के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है इसमें तो आप पूछेंगे। ओके, थैंक यू। बंद क्यों नहीं हो रहा है?